दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य राजेश। इंडिया फर्स्ट न्यूज के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का सुविचार। मित्रों, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति सीधा सीधा समझ बैठता है कि हम स्वतंत्र हैं चाहे जो वह करें, जबकि ऐसा नहीं है। आप ऐसी स्वतंत्रता में कर पराधीन हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्वतंत्रता उस शब्द का नाम है, उस शांति का नाम है जिसमें हम अपने आप को महसूस करते हैं और दूसरे व्यक्ति को हम अपने से कष्ट होने नहीं देते हैं और हम आसपास के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखें, वही स्वतंत्रता कहलाती है। ना कि ऐसा हम अपनी स्वतंत्रता के लिए दूसरे को परेशान करें, नियमों का हम उल्लंघन करें, कानून का उल्लंघन करें। यदि हम ऐसी स्थिति में हैं तो हम कब परतंत्र हो जाएंगे आप स्वयं ही समझ नहीं पाएंगे। इसलिए स्वतंत्रता लाना है तो पड़ोसी को, अपने मित्रों को, अपने आसपास खुशियाँ बखेरना शुरू करें, तब जाकर आप स्वतंत्रता की परिभाषा समझेंगे और उसका आनंद उठा पाएंगे। अब देखते हैं प्रातः काल का पंचांग। 10 जनवरी 2019 गुरुवार का आज दिन है। शतभिषाज नक्षत्र चतुर्थी आज तिथि है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं पहली राशि क्या कहती है। मेष राशि। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन अच्छा दिन है, लाभकारी दिन है और उत्तम फलों की प्राप्ति का दिन है। आज आप मेहनत अवश्य करें और जितनी करेंगे उतनी अच्छी सफलताएं आपको प्राप्त हो जाएंगी और जो भी काम कर रहे हैं उससे पहले हनुमान जी का ध्यान अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अभी 5 दिन बहुत अच्छे हैं। आप जो काम, लंबे समय के काम भी कर सकते हैं और वर्तमान समय के कार्यों को भी संपन्न कर सकते हैं। आनंद रहेंगे, पैसे की कमी नहीं आएगी, जो भी काम करेंगे उसमें आप अच्छे सफल होंगे। आज की सफलता के लिए अपने भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यापारी का दिन बहुत अच्छा है। व्यापारी का सफलताएं मिलेंगी, लोगों से भी आज आपको अच्छा फायदा होगा। आज कुल मिलाकर आप उनकी भी मदद करेंगे, दूसरे आपकी भी मदद करेंगे, आनंद की अनुभूति होगी। सायंकाल मिठाई खाने को अवश्य मिलेगी और आज का दिन और भी अच्छा रहे, अपने भगवान के प्रणाम करके घर से बाहर निकलना बेहतर होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को आज अपने भाग्य पर अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्म को प्रधान मानकर कार्य करना शुरू करें, सफलताएं अच्छी मिलेंगी। भाग्य भरोसे बैठने में बना बनाया कार्य रोक सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव जी का ध्यान करें। सिंह राशि व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन में सुखी के संकेत हैं। नए मेहमान के आगमन के योग भी बनते हैं और परिजनों के माध्यम से लाभ के भी योग बनते हैं। यदि आप किसी समस्या से ग्रस्त चल रहे हैं तो परिजनों से समस्या शेयर करें, उनके द्वारा बताया हुआ समाधान लाभकारी सिद्ध होगा। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए परिजनों को मिठाई खिलाएं। कन्या राशि व्यक्तियों को आज काम संपन्न करने में एक एक कार्य को संपन्न करना होगा। एक साथ 2 और 3 कार्य करेंगे तो सभी कार्य अधूरे छूट जाएंगे और आज आप इतनी जल्दबाजी में हैं कि बहुत सारे काम करना चाहते हैं, लेकिन ज्योतिषी मार्गदर्शन है, एक एक करके कार्य संपन्न करें, लाभ मिलेगा, दिन का भी फायदा उठाएंगे, नुकसान भी नहीं होगा। आज के दिन का लाभ लेने के लिए हनुमान जी के मंदिर की एक परिक्रमा करें। तुला राशि वाले विद्यार्थियों को तो आज बहुत फायदा है। या कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, या किसी खोज में आप लगे हुए हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जो काम हाथ में है वह कार्य यदि आप करना चाह रहे हैं तो उसमें लगन लगाकर कार्य करना होगा, तभी काम संपन्न हो पाएगा। तो आज के दिन का भरपूर उपयोग करने के लिए घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को आज थोड़ी सी थकान अधिक हो सकती है। लोगों की उबाऊ बातें सुनकर भी परेशान हो सकते हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं तो पुरानी बातों को लेकर कुछ विवाद भी हो सकता है, पर इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपके पास एक हथियार है, थोड़ा सा मौन धारण करें, सुने सबकी, करें मन की, बेहतर होगा। और आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान को प्रणाम करके घर से बाहर निकलें। धनु राशि वाले व्यक्तियों का आज विजयश्री का दिन है। आज आप मेहनत भी करेंगे, दूसरों को फायदा भी होगा और आपको भी अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन का और भी अच्छा लाभ लेने के लिए मिश्री का भोग लगाएं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज धन की चिंता थोड़ी सी करनी चाहिए और जब आप बाहर निकलें
कुछ पैसे पॉकेट में डालकर निकलें, क्योंकि आज आप कुछ खर्च करने वाले हैं और ये खर्च जरूरी है, उससे आगे आपको लाभ मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्रों में भी अच्छे लाभ के संकेत हैं, कुछ नए अमेंडमेंट होंगे जो शुभ रहेंगे। आज आपका दिन अच्छा रहे उसके लिए अपने भगवान के मंदिर में लाल पुष्प अवश्य चढ़ाएं। कुंभ राशि लोगों का आज दिन अच्छा रहेगा, शांति का है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी, रुके काम आज से प्रारंभ होंगे और आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें फल भी अच्छे प्राप्त होंगे। आज आपका दिन और भी अच्छा रहे उसके लिए परिजनों से मिलकर जाएं, उनसे सलाह लें। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है और जो भी अभी 3-4 दिन में आपने काम किया था उसका फल भी आज ही प्राप्त होगा और उस संबंध में कुछ यात्रा करनी पड़ सकती है, उस यात्रा को कर डालें, लाभ अवश्य मिलेगा। आज के दिन का अच्छा लाभ लेने के लिए अपने भगवान के मंदिर में आप स्वयं झाड़ू लगाएं, मंदिर में झाड़ू लगाने से आए हुए दोष दूर हो जाते हैं। मित्रों, यह था आपका दैनिक राशिफल। अब देखते हैं आज का रामबाण। आज गुरुवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है और जब ये दो का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे समय में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना लाभकारी सिद्ध होता है। धार्मिक ग्रंथों के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है अदृश्य रूप से, जब उनको पढ़ना शुरू करते हैं तो धीमे धीमे वह उत्पन्न होना शुरू करता है, अर्थात ग्रंथ ही आपसे बोलना शुरू कर देता है और वह समय ही ऐसा होता है। चतुर्थी, एकादशी, गुरुवार, गुरुवार और चतुर्थी, बुधवार, बुधवार और चतुर्थी, शनिवार और अमावस्या, ये ऐसे योग होते हैं जब हम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है और गूढ़ रहस्य समझ में आ जाते हैं। मित्रों, आज इतना ही, कल पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। लोगों के लिए लड़ाई, फिर लोग ही सबसे पीछे, जनता के लिए वायदे, फिर फायदे में जनता ही पीछे, आवाम के लिए सियासत, फिर हुकूक में आवाम ही पीछे। पब्लिक फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज का ऐसा मंच जहां सिर्फ और सिर्फ आपके मुद्दे पहले, आपकी आवाज फर्स्ट। देखिए पब्लिक फर्स्ट, वॉइस ऑफ पब्लिक, ओनली ऑन इंडिया फर्स्ट न्यूज।